अगली सुबह शार्वी की जब नींद खुली तो उसने खुद को वानी के अपार्टमेंट में पाया। उसने देखा वानी उसके सामने बैठी उसे ही घूर रही थी। वानी, मैं यहाँ कैसे? मैं तो शार्वी ने उठते हुए इतना कहा ही था कि तभी वानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, हाँ वही तो मुझे भी जानना है, तू यहाँ कैसे? तू तो रोहन के साथ डिनर पर गई थी ना, तो फिर इतनी रात को आहान सर के साथ क्या कर रही थी? वो भी इतने नशे में। क्या आहान सर के साथ? वो भी नशे में। वानी की बात सुनकर शार्वी चौंक गई और कल रात क्या हुआ ये याद करने की कोशिश करने लगी। तभी वानी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो चैन की नींद सो रही थी, तभी आहान सर का फोन आया और उन्होंने मुझे नीचे बुलाया तो मैं डर ही गई। पता नहीं इतनी रात को मुझसे क्या काम होगा। जाकर देखा तो तू उनके साथ है, वो भी फुल ऑन टल्ली। और पता है तू तो आहान सर को छोड़ ही नहीं रही थी, उनके साथ ही जाने की जिद कर रही थी। बड़ी मुश्किल से तुझे लेकर आई मैं। ये सुनकर शार्वी की आंखें बड़ी हो गईं और उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो कल रात हुआ था। नहीं, तुम आहान सर नहीं हो, तुम तो खड़ूस हो। हाँ, तुम एक नंबर के खड़ूस हो, अग्रू हो, हर वक्त बस गुस्से में घूरते रहते हो। पता नहीं खुद को क्या समझते हो तुम, क्या कभी हंस नहीं सकते? चलो हंसो, हंसो ना। हे शार्वी, नो, अभी तुम होश में नहीं हो। सब याद आते ही उसके तो होश ही उड़ गए। वो घबराते हुए बोली, वानी वानी, मैं क्या करूं? मैं अब ऑफिस कैसे जाऊंगी? आहान सर को कैसे फेस करूंगी? आहान सर तो बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम करती हूँ, ये जॉब ही छोड़ देती हूँ, पर मैं तो ये भी नहीं कर सकती हूँ, 100 करोड़ कैसे दूंगी? शार्वी रोनी सूरत बनाकर बोली, रिलैक्स शार्वी, और मुझे बता तू आहान सर के साथ क्या कर रही थी? ये सुनकर शार्वी ने खुद को शांत किया और कल रात की सारी बातें एक एक कर वानी को बताने लगी। सारी बात सुनने के बाद वो उदास होते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था वानी, रोहन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अगर आहान सर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे खुद पर शर्म आ रही है, मैंने रोहन जैसे इंसान के साथ सगाई की। मुझे तो पहले से ही उस रोहन की नीयत पर शक था, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा अवेयर रहने के लिए कहती थी, लेकिन तू थी कि मेरी बात मानती ही नहीं थी। अब उसकी अंगूठी उसके मुंह पर देकर मारना, कोई जरूरत नहीं है अब उससे कोई भी रिश्ता रखने की। तू अभी रोहन को छोड़वानी, अभी तो मुझे आहान सर की टेंशन है। क्या करूं यार, कैसे सामना करूंगी मैं उनका? कल रात मैंने जो हरकत की है उसके बाद तो मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला सकती। शार्वी मुंह लटकाते हुए बोली, हाँ तो ये बात तुझे उन्हें किस करने से पहले सोचनी चाहिए थी, और तूने तो उन्हें दो दो बार किस की है, वो भी जबरदस्ती। वानी हंसते हुए बोली, प्लीज स्टॉप इट यार, मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया, मैं उस वक्त नशे में थी। और नशे में तुझे हर बार आहान सर ही मिलते हैं, वैसे तेरा टेस्ट बुरा नहीं है। वानी ने एक बार फिर उसका मजाक बनाया, वानी यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ, ऊपर से तू भी मुझे परेशान कर रही है। शार्वी ने गुस्सा होकर मुंह फुलाते हुए कहा, अच्छा चल छोड़ मेरी जान, तू टेंशन मत ले। तू ना आहान सर के सामने ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुझे कल रात की कोई बात याद ही नहीं है, और जितना हो सके उनके सामने मत जाना, ओके? वानी ने शार्वी को समझाते हुए कहा, हाँ तू सही कह रही है, मैं ना आहान सर के सामने ही नहीं जाऊंगी जल्दी से। एक काम करती हूँ, एक हफ्ते की लीव एप्लीकेशन डाल देती हूँ। शार्वी तुरंत ही सोचते हुए बोली, तू पागल है, ऐसे तो आहान सर को पता चल जाएगा कि तुझे सब याद है और तू उनसे बचना चाहती है। मतलब ऑफिस जाना पड़ेगा? वानी की बात सुन शार्वी मुंह बनाते हुए बोली, और कोई ऑप्शन नहीं है, जा जाकर रेडी हो जा, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ तब तक, फिर हमें ऑफिस भी जाना है। वानी ने रूम से बाहर जाते हुए कहा, पर पहले मैं घर जाऊंगी वानी, दादी परेशान होंगी। शार्वी ने बेड से उठते हुए कहा, ओके ठीक है, फिर ऑफिस में ही मिलते हैं। ये कहकर वानी भी रूम से बाहर निकल गई। शार्वी डरते डरते किसी तरह ऑफिस पहुंची। कल रात नशे में उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से वो आहान का सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसकी मजबूरी ना होती तो वो आज ऑफिस ही नहीं आती। उसने सोच लिया था कि वो आज पूरा दिन अपने काम में ही बिजी रहेगी और आहान के सामने ही नहीं जाएगी। हे माता रानी, बस आज आहान सर से सामना ना हो, भगवान करे वो आज ऑफिस ही ना आए, उनको नींद लग जाए या जरूरी काम आ जाए। यही सब सोचते हुए शार्वी लिफ्ट के पास आई ही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आते आहान पर पड़ी जो उस तरफ ही आ रहा था।
आहान को देखते ही शार्वी के होश उड़ गए। वो उसी से तो बचना चाहती थी और अब वो ही उसकी तरफ आ रहा था। अपने सामने आहान को आता देख शार्वी ने जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाना चाहा, लेकिन वहां ऑलरेडी बहुत भीड़ थी जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाई। ओ गॉड, कभी तुम मेरी सुन लिया करो, इन्हें भी अभी आना था। क्या करूं, क्या करूं, अब कहां छुपूं? यही सब बड़बड़ाते हुए शार्वी तुरंत ही पीछे पलट गई और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी। मैं शार्वी, रुकिए। इस आवाज को सुनते ही शार्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को कसकर भींच लिया और बिना पीछे मुड़े ही धीरे से बड़बड़ाई, मर गई। तभी आहान की आवाज एक बार फिर उसके कानों में पड़ी, आप वहां कहां जा रही हैं मिस शार्वी? ये सुनकर शार्वी धीरे से पीछे मुड़ी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वो सर, लिफ्ट के बाहर काफी भीड़ थी, इसलिए मैं सीढ़ियों से जा रही थी ताकि अपना टाइम बचा सकूं। ओह रियली? आपको लगता है कि लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाकर आप अपना टाइम बचा सकती हैं? आप शायद भूल रही हैं कि आपको 25th फ्लोर पर जाना है। आहान अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर उसे देखते हुए बोला, वो सर एक्चुअली मैं। आहान की बात सुनकर शार्वी घबरा गई। वो कोई बहाना सोच ही रही थी कि तभी आहान अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर मुड़ते हुए बोला, मेरे पीछे आइए मिस शार्वी। मैं आपके साथ आपकी प्राइवेट लिफ्ट में कैसे जा सकती हूँ सर? ऑफिस एम्प्लॉय के लिए उसमें जाना अलाउड नहीं है ना सर? शार्वी ने हड़बड़ाते हुए कहा, तो आहान उसे घूरते हुए बोला, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इट्स माई ऑर्डर, कम फास्ट। ये कहकर आहान अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ मुड़ गया। इनको हमेशा ऑर्डर ही क्यों देना होता है? जरूर लिफ्ट में ले जाकर बहुत डांट लगाने वाली हैं। देखने से ही लग रहा है कितने गुस्से में है। शार्वी धीरे से बड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। कहां तो वो आहान का सामना नहीं करना चाहती थी और अब उसे उसके साथ ही एक लिफ्ट में जाना होगा। पहले आप मिस शार्वी। जैसे लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, आहान शार्वी की ओर देखकर लिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, नहीं नहीं सर, पहले आप। शार्वी घबराते हुए बोली। तो आहान ने अजीब नजरों से उसे घूरा और लिफ्ट के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही शार्वी भी अंदर आई और गेट के पास ही आहान की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। लिफ्ट के अंदर दोनों ही खामोश खड़े थे। आहान एक टक शार्वी की तरफ ही घूरे जा रहा था, वहीं शार्वी अंदर ही अंदर घबरा रही थी और वो मनी मन दुआ कर रही थी कि आहान कल रात के बारे में उससे कोई बात न करे। और हुआ भी यही, आहान ने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। तभी लिफ्ट 25th फ्लोर पर जाकर रुकी और जैसी डोर ओपन हुआ, शार्वी झट से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। उसे सुकून मिला कि अच्छा हुआ आहान ने कल रात के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसे तो लग रहा था कि कल रात की हरकत के बाद आहान उसे बुरी तरह डांटेगा और ऑफिस से ही बाहर कर देगा, लेकिन उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा। मिस्टर रॉय इतने शांत कैसे? इन्होंने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। क्या इनको कुछ याद नहीं कल रात क्या हुआ? कहीं कल रात के भी तो नशे में नहीं थे ना? सुबह उठते ही सब भूल गए। अच्छा ही है, सब भूल जाएं। ये सब बड़बड़ाते हुए शार्वी अपनी डेस्क पर आकर बैठी और मनी मन खुश होने लगी। शार्वी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा हुआ फोन बजा। शार्वी ने जैसे ही रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाया, उसके कानों में आहान की आवाज पड़ी, मैं शार्वी, विंटर कलेक्शन से रिलेटेड फाइल्स 5 मिनट में मेरे केबिन में होनी चाहिए। ओके सर। ये कहकर शार्वी ने फोन रख दिया और अपनी सीट पर बैठकर एक गहरी सांस लेकर बोली, लिफ्ट में तो बच गई, कहीं कैबिन में बुलाकर सीधा रेजिग्नेशन लेटर तो नहीं थमाने वाला हाथ में? कहने सब याद होगा, याद हुआ तो। ओ गॉड, क्या करूं, अब कहां जाऊं? जितना इनसे बचना चाहती हूं उतना ही सामना करना पड़ रहा है। फिर वो खड़े होकर टेबल से फाइल समेटते हुए बोली, फिलहाल तो उनके कैबिन में ये फाइल्स भिजवानी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर 5 मिनट से 1 मिनट ज्यादा हुआ तो पता नहीं इंसान क्या करे। इस मंथ की सैलरी काट ली तो नहीं। ये कहकर उसने इधर उधर देखा ताकि किसी को फाइल्स देकर आहान के केबिन में भिजवा सके, लेकिन सब अपने कामों में बिजी थे। वो खुद आहान के सामने जाने से बचना चाहती थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रही लीजा पर पड़ी, जो शायद आहान के केबिन की तरफ ही जा रही थी। लीजा को देख कर शार्वी खुद से ही बोली, लगता है लीजा मैम आहान सर के केबिन में जा रही है, यही सही मौका है, उनके हाथों ही ये फाइल सर के केबिन में भिजवा देती हूँ। वैसे भी उन्होंने फाइल्स भिजवाने को बोला है, खुद लेकर आने के लिए थोड़ी कहा है। शार्वी तुरंत फाइल्स को पकड़े लीजा की तरफ भागी और उसके सामने जाकर हांफते हुए बोली, लीजा मैम प्लीज रुकिए। क्या हुआ शार्वी, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो जैसे कोई जंगली शेर तुम्हारे पीछे पड़ गया हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
शार्वी के अचानक सामने आ जाने से लीजा डर के कारण अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, उसी का तो डर है, जंगली शेर से कम थोड़ी है मिस्टर रॉय, मौका मिला तो शिकार भी कर देंगे, इसलिए तो बच रही हूँ उनसे। शार्वी धीरे से बड़बड़ाई, हाँ कुछ कहा तुमने? लीजा उसे खुद में बड़बड़ाते हुए देख बोली, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, वो तो मैंने आपको आंसर के कैबिन की तरफ जाते हुए देखा, बस इसलिए रोका। शार्वी नकली हंसी हंसते हुए बोली, क्यों क्या हुआ, आहन अपने केबिन में नहीं है क्या? लीजा ने पूछा, तो शार्वी अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, नो लीजा मैम, आहन सर तो अपने केबिन में ही है, एक्चुअली ये कुछ जरूरी फाइल्स हैं जो आहन सर ने अभी मंगवाई हैं, अब आप वहाँ जा ही रही हैं तो ये फाइल्स भी उन्हें दे दीजिएगा, वो क्या है ना अभी मेरा बहुत काम पेंडिंग है ना इसलिए। ओके तुम जाओ अपना काम करो, मैं ये दे दूंगी आहन को। लीजा ने जैसे ही ये कहा तभी उसका फोन रिंग करने लगा। एक्सक्यूज मी, लीजा ने अपना फोन उठाते हुए शार्वी से कहा और फिर अपने फोन पर बिजी हो गई। चलो अच्छा हुआ लीजा मैम टाइम पर मिल गई, अब मुझे आहन सर के सामने नहीं जाना पड़ेगा। शार्वी यही सोचकर खुश हो रही थी कि तभी लीजा अपना फोन रखते हुए शार्वी से बोली, ओ सॉरी मुझे एक अर्जेंट काम है शार्वी, इसलिए अभी जाना पड़ेगा, तुम ये फाइल खुद जाकर आहन को दे दो। ये कहकर लीजा तुरंत ही वहाँ से मुड़कर चली गई। वहीं लीजा को जाते देख शार्वी की मुस्कान तुरंत ही गायब हो गई। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, बस एक मिनट ही बाकी था, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। शार्वी ने गुस्से से अपने पैर पटके और आहन की केबिन की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ एसआर ने अपनी केबिन से देखा कि हैप्पी अपने सूजे हुए चेहरे के साथ उसी के केबिन की तरफ आ रहा था। ये देखकर एसआर तुरंत ही उसकी ओर भागा और उसके पास जाकर बोला, ओए हैप्पी तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस हालत में? मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो एसआर, खुद तो चले गए और मुझे उस खूंखार शेरनी के सामने छोड़ गए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरा भाई, बहुत मारा मुझे बहुत मारा। तुम ठीक तो हो ना हैप्पी? क्या बताऊं मेरे यार, क्या हालत की उसने मेरी, मैं गलती से भी उसके सामने नहीं जाऊंगा मेरे यार, और मेरी सलाह है कि अगर तुम्हें अपना ये हैंडसम फेस प्यारा है तो तुम भी उससे दूर ही रहना मेरे भाई, क्या मारती है आई। अभी तक दर्द है मेरे गालों में। हैप्पी अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर रोनी सूरत बनाते हुए बोला, अरे यार ये रोना बंद कर, तुझे आने की क्या जरूरत थी, अगर वानी ने तुझे पहचान लिया ना तो। एसआर इधर उधर देखकर घबराते हुए बोला। तभी उसने देखा कि सामने से वानी उसी की तरफ चलते हुए आ रही थी। ये देखकर उसने कस कर हैप्पी का हाथ पकड़ा और एक कोने में जाकर छिप गया। अरे कहां लेकर जा रहे हो भाई, आराम से, पहले ही बहुत दुख रहा है। हैप्पी अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोला, चुप रहे हैप्पी, अगर अभी शांत नहीं हुआ ना तो और दर्द में आ जाएगा, वो देख सामने से वो खूंखार शेरनी यहीं आ रही है, अगर उसने हम दोनों को देख लिया, खासकर तुझे, और अगर उसे तुझ पर शक हो गया ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी बैंड बजनी पक्की है। वानी को देखते ही हैप्पी घबरा गया और उसने तुरंत एसआर से चिपकते हुए कहा, बचा ले मेरे भाई, तुझे तेरे बचपन के प्यार की कसम, मुझे इस शेरनी से बचा ले, बहुत बुरा मारती है। कौन सा बचपन का प्यार, मेरा तो हर क्लास में अलग अलग प्यार था, एसआर ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। सेकंड क्लास वाला, हैप्पी झट से बोला। ये सुनकर एसआर कुछ याद कर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ यार कितनी क्यूट थी वो बचपन में, अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होगी। लेकिन फिर वो अपनी कॉलर ठीक कर अकड़ते हुए बोला, डोंट वरी, यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ का बॉस हूँ, देखना मेरे सामने जुबान भी नहीं चलेगी उसकी, हाथ तो बहुत दूर की बात है। तभी वानी ने देखा कि एसआर एक कोने में छुपा किसी से बातें कर रहा था। वानी सीधे उसी के पास आई और बोली, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस कोने में? अब कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस अपने बचपन के दोस्त को अपना ऑफिस टूर करा रहा था। वानी को सामने देखकर एसआर हड़बड़ाते हुए बोला। वहीं हैप्पी ने तो वानी को देखते ही अपना मुंह दीवार की तरफ छुपा लिया। ये आपके बचपन के दोस्त हैं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है, क्या मैं तुमसे कहीं मिली हूँ? ए जरा अपना मुंह तो दिखाना ठीक से, या तुम्हारा कोई छोटा भाई भाई है क्या? वानी उसे गौर से देखते हुए बोली। ये सुनकर एसआर और हैप्पी के तो होश ही उड़ गए, उन्हें लगा कि कहीं वानी ने उसे पहचान तो नहीं लिया। हैप्पी तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ जिससे आप मिली थी, मैं तो लड़कियों से मिलता भी नहीं हूँ दीदी,
कल रात भी मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकला था। और भाई क्या, मेरा तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं है। कल रात? मैंने कल रात तो नहीं कहा, मैंने तो बस ये कहा कि मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है, वानी उसे घूरते हुए बोली। तभी एसआर जल्दी से वानी के सामने आकर बोला, कल रात नहीं, हर रात। ये रात घर से बाहर निकलता ही नहीं है, इनफैक्ट शाम होते ही घर से बाहर नहीं आता। और दिन में तो तुम ऑफिस में बिजी रहती हो, तो तुम इससे कैसे मिल सकती हो? लेकिन ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत मारा हो। वानी हैप्पी के सूजे और लाल नीले पड़े चेहरे को घूरते हुए बोली, एलर्जी, एलर्जी हो गई है दीदी। कल रात एहसान के कहने पर मैंने कुछ ऐसा खा लिया जो मुझे नहीं खाना चाहिए था। हैप्पी अपने दोनों गालों को अपने हाथों से ढकते हुए बोला, ऐसा भी क्या खा लिया? वानी ने कहा तो हैप्पी एसआर के कान में धीरे से बड़बड़ाया, एसआर मेरा दोस्त, तुम तो कह रहे थे कि तुम इसके बॉस हो और तुम्हारे सामने इसकी जुबान नहीं चलेगी, पर ये तो किसी सीआईडी ऑफिसर की तरह सवाल पर सवाल कर रही है। कहीं जल्दी मुझे फांसी पर न लटका दे मेरे दोस्त। ये सुनकर एसआर के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और वो वानी की तरफ गुस्से से देखते हुए कड़क आवाज में बोला, अब मिस वानी, आप शायद भूल रही हैं कि मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ और सवाल करने का हक सिर्फ मेरा है। क्या वो फाइल कंप्लीट हो गई जो कल मैंने आपको रेडी करने के लिए कहा था? वानी जो अभी हैप्पी को अपनी तीखी नजरों से घूर रही थी, वो एसआर की बात सुनकर लापरवाही से बोली, अभी नहीं सर। क्या, इतनी कामचोर कैसे हो सकती हैं आप? अभी तक एक फाइल कंप्लीट नहीं हुई है, किस बात की सैलरी मिलती है आपको? एसआर अकड़ कर अपनी धौंस जमाते हुए बोला। तभी वानी उसकी ओर देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोली, हाँ आपने कुछ कहा सर। उसका ये लुक देखकर एसआर तुरंत ही हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि आप आराम से वो फाइल कंप्लीट कर सकती हैं, कोई जल्दी नहीं है, तब तक मैं अपने दोस्त को पार्किंग दिखा कर लाता हूँ। चल हैप्पी, निकल ले यहाँ से। ये कहकर एसआर तुरंत ही हैप्पी का हाथ पकड़कर वहां से 9:00-11:00 हो गया। इधर शार्वी डरते डरते आहान के केबिन में पहुंची। सर, ये वो फाइल्स जो आपने मंगवाई थी? शार्वी ने धीरे से कहा, इन्हें टेबल पर रख दो। आहान अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला। आहान को उसके लैपटॉप पर बिजी देख शार्वी ने तुरंत ही फाइल टेबल पर रखी और बाहर जाने के लिए मुड़ गई। वो जल्दी से वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाती, आहान की आवाज उसके कानों में पड़ी, तब मेरे फाइल्स चेक करने तक आप यहीं रुकिए मिस शार्वी। तभी आहान फाइल में देखते हुए बोला, आपको पता है मिस शार्वी, कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। कल रात की बात सुनते ही शार्वी के तो होश उड़ गए और वो घबराते हुए बोली, सपना? कैसा सपना सर? तभी आहान अपनी चेयर से उठकर उसकी तरफ आते हुए बोला, मैंने देखा कि मैं और आप एक लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं, एक झील के किनारे। आप वहां कॉटन कैंडी खा रही हैं और मुझे अकड़ू खड़ूस और ना जाने क्या क्या बोल रही हैं। क्या वो वाकई एक सपना था? ये सुनकर शार्वी और ज्यादा घबरा गई। उसे एसी में भी अब पसीने आने लगे थे, लेकिन फिर भी वो आहान के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। इसलिए किसी तरह वो खुद को संभालते हुए बोली, सपना? हाँ सपना ही हो सकता है, मैं आपको भला ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। ये सपना नहीं, हकीकत थी मिस शावे। क्या मैं आपको वाकई में अकड़ू और खड़ूस लगता हूँ? आहान शार्वी के एकदम नजदीक आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। आहान को अपने इतने करीब देखकर तो शार्वी की सांसें ही जैसे अटक गई थी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, शार्वी हकलाते हुए बोली। अच्छा, तो आपको तो फिर ये भी याद नहीं होगा कि आपने कल मेरे साथ क्या किया, मुझे जबरदस्ती किस किया और। आहान ने इतना कहा ही था कि तभी शार्वी जल्दी से उसकी बात काटते हुए बोली, मैंने किसके अलावा और कुछ नहीं किया था सर। तो आपको याद आ ही गया, आहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तो शार्वी ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसे अब खुद की ही बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था और शर्म भी। आहान को उसे ऐसे देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने एक्सप्रेशन चेंज कर गंभीर आवाज में बोला, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं मिस शावे? आप इतने नशे में थी, आप जानती भी हैं कि कल रात आपके साथ क्या क्या हो सकता था? आहान की बात सुनकर शार्वी की आंखों में नमी आ गई और वो शर्मिंदा होते हुए बोली, I'm sorry, sir. कल रात मैं अपने मंगेतर के साथ डिनर पर गई थी, उसने मेरी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए एक डिनर डेट अरेंज की थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। फिर भी तुम्हें अवेयर रहना चाहिए, छोटी बच्ची नहीं हो तुम, और जितना हो सके उस खटिया इंसान से दूर रहो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, समझी? आहान ने उसे घूरते हुए कहा। जी सर,
थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, एंड कल रात नशे में जो कुछ भी बोला उसके लिए सॉरी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अब आहान की तरफ देख भी सके। वो जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहती थी, इसलिए वो बात बदल कर बहाने बनाते हुए बोली, सर क्या मैं आपके लिए कॉफी भिजवाऊं? आपने अब तक अपनी कॉफी नहीं ली। आप जा सकती हैं। आहान भी उसकी हालत समझ रहा था। वो शार्वी की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता था, शर्मिंदगी नहीं, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। शार्वी जाने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने हैंडबैग से एक रुमाल निकाला और उसे आहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर आपका रुमाल कल रात मेरे पास ही रह गया था, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। मैंने सुना है कि किसी का रुमाल रखने से उनके बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं और मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती। ये कहकर शार्वी ने उसके हाथ में रुमाल थमाया और वहां से भाग गई। शार्वी ने ये सब इतनी मासूमियत से कहा था कि आहान को उसके इस लॉजिक पर हंसी आ गई और उसे शार्वी के साथ बिताए कल रात के पल याद आने लगे और उसने धीरे से उस रुमाल को अपने होठों से लगाकर चूम लिया और उसकी खुशबू को महसूस करते हुए कहा, कुछ इस कदर छाई है मुझ पे दीवानगी तेरे प्यार की कि अब तो सांसों में भी खुल रही है खुशबू मेरे यार की। दूसरी तरफ रोहन को जैसे ही होश आया उसने खुद को एक बीच के किनारे पड़ा पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। उसे अपने पूरे शरीर में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। कौन थे वो लोग जिसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा? एक बार पता चल जाए तो छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। मेरा फोन कहाँ है? ये कहकर उसने अपने आसपास अपना फोन ढूंढा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसका फोन, वॉलेट सब गायब थे। उसकी हालत इस वक्त भिखारियों से भी बदतर हो रखी थी। किसी तरह वो लंगड़ाते हुए वहां से उठकर रोड तक पहुंचा ताकि किसी से लिफ्ट ले सके, लेकिन उसे देखकर किसी ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी। तभी वो अचानक से एक गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया ताकि वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोक सके। अचानक सामने किसी के आने से उस गाड़ी वाले को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी गुस्से से चिल्ला कर बोला, क्या बे तुमको भीख मांगने के लिए यही जगह मिला था? मरने का इतना शौक है तो किसी और की गाड़ी के सामने मरिए ना, हमारी गाड़ी के सामने काहे आ रहे हैं? तभी रोहन जल्दी से कार की विंडो के पास जाकर बोला, देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, रोहन नाम है मेरा, रोहन मेहरा। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं बदले में आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर उसे पीछे धकेलते हुए कहा, ए दूर दूर, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं सस्ता वाला नशा करके। का बे बुड़बक समझे हो, तुम दोगे हमको मुंह मांगी कीमत? अपनी खुद की हालत देखे हो का? पता नहीं कैसे कैसे पागलों को यहाँ मुंबई शहर में छोड़ दिया है लोगों ने। अरे पागल खाने में बंद कीजिए इनको, रास्ते से हटिए बता रहे हैं, उड़ा देंगे तुमको गाड़ी से। ये कहकर वो आदमी अपनी कार लेकर वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर रोहन का खून खौल उठा। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे पागल भिखारी बोला, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको भी, और खासकर उसको जिसने भी मेरी ये हालत की है। बहुत बुरा हाल करूंगा मैं उसका, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो था कौन। मेरी कमर, एक बार मिल जाए तब मैं उसे बताऊंगा कि रोहन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमयी हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। होप कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे यानी आर्जे रिवांश को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है आर्जे रिवांश के साथ। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है तू जान है।